एएसटी टाइम पे आपका स्वागत है और बनारस में है। बनारस की चिकन गलियों के बीच में हम एक दुकान पे पहुंचे हुए हैं, बाबा लस्सी। और ऐसी भीषण गर्मी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अगर लस्सी मिल जाए तो मिजाज ही कुछ और हो जाता है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं, लस्सी का लुत्फ ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अपना हाल है मिजाज भूल जाते हैं, ये बनारस है गुरु, यहाँ सब खेत में ही नजर आते हैं, खेत में ही नजर आते हैं। और हमारे साथ लस्सी का आनंद ले रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे, भाई साहब हैं और बाबा लस्सी में हैं हम लोग, और लस्सी कब मिल जाए स्वाद तो कुछ अलग ही लुप्त हो जाता है। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं दिल्ली से। देखिए दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चुनाव के पहले भले कैसा माहौल रहा हो लेकिन अभी भी दो दिन से आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए घूम गए जी। लस्सी हमें आए यहाँ पे, और गर्मी भी है, कैसा महसूस हो रहा है इसके बीच में? क्योंकि लस्सी का स्वाद मिल जाए ऐसी गर्मी में और बाबा लस्सी तो फिर और भी आनंद आ जाता है, क्योंकि यहाँ का चाय भी प्रसिद्ध है, यहाँ का पान तो साड़ी की बात ही अलग है, लेकिन लस्सी एक नई बात अगर कही जाए, हर जगह मिलती है लेकिन यहाँ का स्वाद कुछ अलग ही लग रहा है। मैं काफी देर से देख भी रहा हूँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे पहले आपने लस्सी अभी पिया भी है? हम लोग कल रात में भी पिए, सुबह भी पिए और अभी पी रहे हैं, तो लस्सी के क्वालिटी से पता चल सकता है हम बार बार आ रहे हैं। गर्मी में लस्सी के कुछ अलग ही मिजाज होता है, क्यों? बिल्कुल जी भाई साहब, आप? मैं भी दिल्ली से। सभी लोग दिल्ली से हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अरुण है। अरुण है, दिल्ली से आए हुए हैं और दिल्ली से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और आज यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री भी आए थे और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगी थी, आप लोग दर्शन करके भी निकले हुए हैं। कैसा पहले से कैसा परिदृश्य बदला हुआ लग रहा है? क्योंकि आज बहुत सारी भीड़ भी थी और दर्शन करने में धक्का मुक्की भी हो रही थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद एक अलग होता। और आप लोग तो सब एक ही परिधान में नजर आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ क्या कामना किया है? ऐसी सब अच्छा रहे, मोदी और योगी का साथ बना रहे और बनारस का भी बहुत वर्षक हो, देश का भी वर्षक हो। बहुत सही, मोदी और योगी का साथ बना रहे। अब मैं लस्सी का स्वाद काफी देर से ले रहे भाई साहब से बात करता हूँ और वो चाह भी रहे कि हमारे पास आए। पहले हमारे आए भारतीय जनता पार्टी के ही सेक्टर प्रमुख भी हैं और संयोजक भी हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते हैं यहाँ पर ताली भी बजने लगी, मंडल उपाध्यक्ष भी है सत्यपाल सिंह गौतम और पर त्रिकुंड नजर आ रहा है, बाबा भोलेनाथ के सबसे विश्व के सबसे प्राचीनतम नगर में है। कैसा महसूस कर रहे हैं आपको? बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी आप करके आए हैं, क्या लगता है आपको? पहली बार आए हैं आप कहाँ से? और काशी कॉरिडोर की भी बात किया है, काशी कॉरिडोर बनने के बाद क्या यहाँ का धार्मिक परिवेश बदला है? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम बात करेंगे पान की मिठास और कुल्हड़ वाली चाय और उसके बाद अगर लस्सी हो जाए। भाई साहब काफी देर से लस्सी का लुत्फ उठा रहे हैं, एक के बाद दूसरी आ चुकी है। आप भाई साहब से बात करते हैं कि बनारस है, बनारस के ट्रेड तो अलग है, यहाँ का अलग ही मिजाज है। दशाश्वमेध घाट तो गए ही होंगे आप? हाँ, सारे घाट घूमने में गए करके कल आए थे, उसका पूरा दिन हमने घाट में निकाला, आज भी घाट में ही निकलना। धार्मिक सांस्कृतिक नगरी होने के साथ साथ इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है, बाबा लस्सी में है आप, कैसा लस्सी का स्वाद मिलने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? कुछ थकान, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और ऐसे में लस्सी के खास तो आपको कुछ न कुछ तो विचार इसमें प्रतिक्रिया तो आपकी होगी। पहले ही बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन बाबा लस्सी बहुत ही अच्छी, हमने कल भी पी थी आज भी आए हैं पीने के लिए। और वैसे भी हम जो है बाबा विश्वनाथ दर्शन करने आए थे दिल्ली से, कल हमने दर्शन किए, उसके बाद योगी जी और मोदी जी को याद किया और उनको हमें दर्शन किया। देखिए एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं सभी साथी योगी मोदी की जरूर बात करते हैं, तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि काशी एक धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, घाटों का शहर कहा जाता है और विश्व का सबसे प्राचीन शहर भी है। यहाँ का साहित्य, यहाँ का संगीत, अस्सी घाट की सीढ़ियों पर बैठ करके जो चिंतन और मंथन हुआ करता है, कुछ न कुछ तो
आप कह रहे हैं तो उसमें योगी मोदी जी कुछ लग रहा है? योगी मोदी जी का बहुत सपोर्ट है, सांसद है मोदी जी, ये अपने बड़ी बात है कि उन्होंने इस शहर को चुना तो वो इसको बहुत विकास करते हैं और इसको आगे लेके जाएंगे। भले यह चुनावी समय व्यतीत हो चुका है, एमएससी का चुनाव है, लेकिन अभी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तर प्रदेश के और आज यहाँ पर है भी बाबा विश्वनाथ के नेपाल के प्रधानमंत्री जी आए हैं, क्या लगता है कि मोदी है आगे बहुत बाबा लक्ष्मी के प्रोग्राम राइटर साहब से मिलते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। जी और लस्सी बना रहे हैं, देखिए लस्सी बन रही है यहाँ पर और काफी लोग बैठे हुए हैं। एक बूंद पानी होती है, एक बूंद बर्फ होती है, किलो और दही की लस्सी रहती है। किन किन प्रकार के फ्लेवर के लिए क्या वैरायटी है? हमारे यहाँ जितने भी फ्लेवर के फल आते हैं सीजन में वो सारे फल के लस्सी बनते हैं, कोई केमिकल इंसेंस कुछ नहीं पड़ता है। जो भी फ्रेश फ्रूट आते हैं सारे फ्रेश फ्रूट के लस्सी बनते हैं, फ्रेश फ्रूट के लस्सी बनते हैं। काफी प्रकार के जो बाहर बोर्ड लगा रखा है, आम है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, ब्लूबेरी है, जितने सीजन के फल आते हैं वो सारे मिलेंगे हमारे। लस्सी बनाने में आपको कितना टाइम लगता होगा? फल वाली लस्सी में 5 से 7 मिनट लगते हैं, बाकी नॉर्मल लस्सी में तो बस। तो इस समय तो श्रद्धालु भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काफी लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। बनारस में आए बाबा लस्सी नहीं पिए तो फिर क्या पिए? क्या बात है, बाबा लस्सी न पिए हैं तो क्या बात है। इसी का सवाल लेंगे, देखिए हमारे 6 लोग हमारे साथी हैं और लस्सी बनकर के तैयार हो रही है और इसके साथ मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ अपने टाइम से कि सभी लोग अगर बनारस आइएगा तो बाबा लस्सी जरूर आइएगा और यहाँ लुत्फ जरूर उठाइएगा, क्योंकि गर्मी में बाबा लस्सी न पिया तो फिर बनारस आने का स्वाद कम हो जाएगा, मजाक कम हो जाएगा। और देखिए ये कुछ अपील करना चाहते हैं आपने, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, जो भी बनारस आते हैं मजबूत कर जरूर बाबा लस्सी आए और भाई लस्सी को लगे कि हाँ लस्सी में क्या डिफरेंट होता है, ट्राई करें, टेस्ट करें, फिर उसका आनंद लें। धन्यवाद।